लेकिन एक और शेयर आज बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, वो है अमारा राजा का शेयर। फुल चार्ज है और वजह यह है कि पीआईजीओ से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई को लेकर ये करार किया है अमारा राजा ने। कितना इंपॉर्टेंट करार है ये, कितना कंट्रीब्यूट करेगा रेवेन्यू में, जरा समझते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? जी, हमारा राजा का गर्म स्टॉक देखें तो फुल्ली चार्ज्ड अप है आज के ट्रेडिंग सत्र में, क्योंकि हम जानते हैं कि ओवर द वीकेंड दो बड़े अनाउंसमेंट्स आए कंपनी की तरफ से। पहला तो उन्होंने अपनी बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जो है 1.5 गीगावाट आवर्स की जो कैपेसिटी है उसको इनॉग्रेट किया, और साथ ही इसी फैसिलिटी के लिए पियाजियो इंडिया के साथ उन्होंने करार भी करते हुए नजर आए, जहाँ पे अभी तो वो बैटरी पैक सप्लाई करेंगे पर आने वाले समय में बैटरी पैक्स जो है उनके लिए बनाएंगे भी। कुछ समय पहले एथर के साथ भी कंपनी ने एमओयू किया था, तो पूरे बैटरी स्पेस को लेकर, खासतौर से ईवीज की बैटरीज को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। कंपनी ने ऑलरेडी बताया है कि वो 9500 करोड़ का जो क्षमता विस्तार है वो ये स्पेस में करेंगे, जहाँ पे 5 गीगावाट आवर्स ऑफ कैपेसिटी जो है वो बैटरी को पैक करने में लगाएंगे, उस फैसिलिटी के लिए होगा, और सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे आने वाले समय में, जिसकी पूरी कैपेसिटी होगी 16 गीगावाट आवर्स। और स्ट्रीट को, एनालिस्ट लोगों को इस चीज़ का बेहद इंतजार था कि सेल मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी कब रोल आउट करते हुए दिखेगी, तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगले साल जो है उनकी मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है उनकी सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी और प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। कई सारे कस्टमर से वो लगातार बातें कर रहे हैं, दो एमओयूज ऑलरेडी साइन हो गए हैं बैटरी पैक्स के लिए, पर आने वाले टाइम में सेल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या कुछ एक्साइटमेंट है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि लेड एसिड बैटरी में जो है वो काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, एक बड़ा एक्सपेंशन भी प्लान कर रहे हैं, पर डिमांड के प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए वो इस पर निर्णय ज़रूर लेंगे कि कहाँ पर एक्सपैंड करना है। पर अब जो उनकी सदर्न स्टेट्स हैं या हार्ट ऑफ इंडिया की जो स्टेट्स हैं उसको अलग रखते हुए नॉर्थ इंडिया में हमारा राजा एक्सपैंड करने का सोच सकती है। तो सभी पैमाने पे पॉजिटिव कमेंट्स जो है आए हैं हमारा राजा के मैनेजमेंट की तरफ से, और जी हाँ, आज हम स्टॉक में काफी एक्साइटमेंट भी देख रहे हैं। ठीक है, 7% की तेजी है। सृष्टि, बहुत शुक्रिया हमारा राजा, और अपने गेंस को अब तक पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। 1600 रुपए के नीचे ये शेयर नहीं गया है। एक जरा इस पर व्यू चाहिए। विवेक जी, आप व्यू दीजिए हमारा राजा, क्योंकि देखिए ईवी वाले जो मौके हैं ना उसको भुनाने के लिए कंपनी बहुत तत्पर है, और हाल फिलहाल हमने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स देखे हैं अमारा राजा की तरफ से। आप कैसे देख रहे हैं अमारा राजा को, और क्या निवेश के लिहाज से ये भाव ठीक है या फिर थोड़े करेक्शन का वेट कर लें? देखिए, ओवरऑल अब अगर स्पेसिफिकली इस स्टॉक का अगर पूछो तो वैल्यूएशन वाइज आपको दिखेगा कि इस पैक में जितनी भी बैटरीज आज बनाने वाली कंपनीज है, इनफैक्ट ओला इलेक्ट्रिक टाइप तो खुद वो भी बोल रही है कि हम लोग भी बैटरी बनाएंगे, वैल्यूएशन वाइज ये सबसे सस्ती लग रही है आज के दिन में। तो मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, और आगे चल के मतलब जो सरकार का एम है 2030 तक आपको एटलीस्ट 30% फ्लीट ईवी चाहिए रोड्स पे, तो ये और भी अच्छा करते हुए दिखेगा ओवरऑल स्पेस। तो ईवी ऐसे स्पेस, बैटरी बनाने वाली कंपनी सारी की सारी मुझे लगता है कि और भी आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी, और स्पेसिफिकली आप इसकी अगर बात करते हो तो इस पैक में तो सबसे सस्ती लग रही। ठीक है, हमारे राजा को लेकर ये भी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे।